ज्ञान दूसरे का अनुभव हो सकता है। अगर आपको जाना है तो आपको अपना ही अनुभव चाहिए। कभी कभी ज्ञान के सुंदर सुंदर शब्दों में आप खो सकते हैं, कहीं कहीं ज्ञान में उलझ सकते हैं, कहीं कहीं ज्ञान आपको अहंकारी बना सकता है। और आप जैसे कोई पहलवान चर्चा ही करते रहें पहलवानी के बारे में, कुश्ती के बारे में, मैदान के बारे में, अखाड़े के बारे में, डाइट के बारे में, कुछ करें ही नहीं। वो इतनी बढ़िया बात करते रहें, बढ़िया बात करते रहें, सुनने में भी आनंद आता रहे, तो उनके जो शिष्य लोग होंगे वो भी गए काम से और खुद भी गए। तो जो अनुभव है वो आपका अपना है। अगर आपको अनुभव हो गया, अगर थोड़ा सा भी हो गया, आप फूले नहीं समाएंगे। आप सोचेंगे मैंने किया। आप देखें जैसे एक बच्चा चलना सीखता है जब, तो उसको कितनी खुशी होती होगी। सोचता होगा मैं उंगली पकड़ता था माम की रोज, पिता की रोज, भाई की रोज, आज मैं खुद चल रहा हूँ, मैं वाकर का सहारा लेता था, चल रहा हूँ। उसके बाद भागने भी लगता है और वो भूल भी जाता है कि मैं सीखता था। इसी तरह जो आध्यात्मिक अनुभव है कन्नुप्रिया, वो आपके अपने हैं। और जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं, तैसे तैसे वो शक्तियाँ ही आपका मार्गदर्शन करती रहती हैं।